जय हिंद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बताने वाला हूँ ई कल्याण स्कॉलरशिप 2021 के बारे में। जैसा कि बहुत ही मेरे अंदर एक हर्ष है कि मेरा पैसा आ गया है, मेरा कितना पैसा आया है, आपका कब आ गया, कैसे चेक करें, सभी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको आज कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना है ई कल्याण, शॉर्ट में आप सर्च कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। इसमें ई कल्याण लिख करके आप सर्च करते गए, इसका जैसे ये पोर्टल खुल करके आ जाता है। जैसे फर्स्ट टाइम आपको ई कल्याण दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जहाँ आपको इसका होम मेन्यू खुल करके आ जाता है ई कल्याण का, जैसे आप देख सकते हैं इसका होम मेन्यू ये आ चुका है। इसके बाद गाइस ऊपर में आप स्क्रॉल करते हुए जाइएगा तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको पोर्टल को दिखाई देगा और कर एक्टिवेशन करना ये सब आपका प्रोसेस दिखाई देगा। ऊपर में आपको स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करने के लिए तीन स्टेप दिए गए। यहाँ पे स्टूडेंट नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करके दिखाना है। और सबसे पहले आप मोबाइल पर क्लिक करेंगे, इसमें मोबाइल पर क्लिक करेंगे गाइस। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पे आपको जो है मोबाइल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद पासवर्ड को यहाँ पे डालना है। हम अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं गाइस। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी होती है और पासवर्ड वो सिक्योर रखना है। इसके कारण से यहाँ पे मैंने ब्लर कर लिया। तो आप यहाँ से अपने से मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल रखिएगा जो आप उस टाइम अप्लाई करने टाइम अपलोड किए होंगे। इसके बाद नीचे गाइस आपको जो कैप्चा दिखाई देगा, कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करना है। कुछ इस प्रकार से कैप्चा को यहाँ पे कैप्चा बॉक्स वाली में यहाँ पे आपको फिलअप करना है। इसके बाद गाइस आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाएगा साइन इन पर, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो आई डी खुल करके इस प्रकार से आ जाता है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए आप जाइएगा, आपका सारा डाटा यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन स्टेटस का, इसे आप सभी देख सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। जिसने एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करते गए इसका नेक्स्ट मेन्यू इस प्रकार से खुल करके आता है। फिर यहाँ पे आपको एकेडमिक ईयर में आपको सिलेक्ट करना है जो ईयर का आप करंट ईयर का चेक करना चाहिए। जैसे कि इसका हमने चेक करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस इस प्रकार से खुल करके आ जाता है। तो आप देख सकते हैं गाइस कि मेरा जो से फाइनल अप्रूव्ड बाय ए ऑफिसर लिख दिया और मेरा पेमेंट भी अपलोड होकर के आ चुका है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मेरा अमाउंट जो चढ़ा हुआ है, यहाँ 3426 रुपया मेरा जो है सो अकाउंट नंबर है यहाँ पे आपका शो कर रहा होगा और यहाँ पे मेरा जो पेमेंट आया है वो पेमेंट भी शो कर रहा होगा। इसी प्रकार से आपका भी लोड हो चुका होगा गाइस। आप वहाँ पे चेक करके देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट कौन सा बैंक में आया है और कितना आया है। यहाँ पे सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे सही स्टेटस में आपको किस तरह का पेंडिंग होता है, डी ऑफिसर या किसी भी ऑफिसर का आपका पेंडिंग होता है तो आप जान लीजिए कि आपका जो है पेमेंट नहीं आएगा। आप नेक्स्ट ईयर ही आप फिलअप करेंगे ताकि आपका पेमेंट प्रोसेस क्लियर हो। उसके बाद गाइस ऊपर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉगआउट का, उस पर आपको क्लिक करना है और अपना आईडी जो है लॉग आउट कर लेना। तो गाइस इस प्रकार से अपना स्कॉलरशिप ई कल्याण स्कॉलरशिप स्टेटस चेक कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो गाइस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन का जरूर ऑन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जा सके। धन्यवाद।